Silence. Camera. Rolling. Sound ready? Rolling. Sound? Rolling. Ha, clap. Thank you. Jodi Bappa Mohriya. Jodi Bappa Mohriya. आज बहुत सारी खुशियां एक साथ मिली। मैं एक तो गणेश जी को धन्यवाद कि आज गणेश जी के पावन दिन का मौका मिला, मुहूर्त किए प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब को, रानी के साथ काम करने का मौका मिला, तो आज बहुत सारे भोजपुरी की इंडस्ट्री में खुशी की, भोजपुरी इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारा जोड़ा साथ में आ रहा और एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भोजपुरी सिनेमा में एंटर किया है, तो एक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात है। रानी और रवि किशन का कैमिस्ट्री वैसे ही बहुत पावरफुल रहा है, बहुत हिट रहा है, और क्या कहना चाहेंगे कैमिस्ट्री के बारे में? बस आप लोगों ने अभी मुहूर्त शॉट देख ही लिया, ये लाइन हम लोग अभी तुरंत एक मिनट पहले हम लोग का आंखों से एक तालमेल है, अलग ही केमिस्ट्री, एक अलग केमिस्ट्री है कि ये इनको पता मैं कहाँ पॉज लूंगा, मैं कहाँ रुकूंगा, मुझे कहाँ से उठाना, ये कहाँ रुकेंगी, एग्जैक्टली बड़ा हमको संभालते रहते हैं। रानी नोज एग्जैक्टली मुझे बचाना कहाँ है, संभालना, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हर। अभी बात करें सीन हो रहा था तो उसमें देखा कि रानी आपको कृष्णा करके बुलाती है, बांसुरी नहीं है आपका? हाँ बांसुरी नहीं है बट फिल्म में डेफिनेटली। अच्छा आपका सजेशन रहा, मैं डायरेक्टर से कहूंगा कि कृष्णा के साथ बांसुरी होनी चाहिए, बहुत अच्छा। मेहरारू ढूंढ रहे थे, मिले कि नहीं? हाँ मेहरारू है, एकदम मिल गई, इतनी सुंदर सी बगल में आ गई मेहरारू, और यही इस फिल्म की कहानी है। इनफैक्ट टू हीरोइन सब्जेक्ट है जिसमें फैमिली ड्रामा ये बहुत ज्यादा है, गांव देहात का और इमोशन, एक प्यार में सैक्रिफाइस और एक जो प्रेम करती है वो कैसे सैक्रिफाइस करती है और एक दूसरी लड़की से कैसे, तो बहुत ही अच्छा सुंदर सी एक नई कहानी हमारे एंटरटेनमेंट के साथ आएगी। रानी आप क्या कहना चाहेंगे, मौका भी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ रवि जी के साथ, जब भी कोई फिल्म होती है मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि रवि जी को लगता है कि मैं उन्हें संभालती हूँ, ऐसा नहीं है, रवि जी के साथ बहुत कुछ मैं सीखती हूँ, और टीम बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, म्यूजिकली फिल्म है, एक्शन ड्रामा म्यूजिकली सब कुछ होगा फिल्म में, मतलब जैसी फिल्में हम करते हैं हम दोनों की जोड़ी जिस फिल्म में होती है, आई होप
कि लोगों को ये फिल्म पसंद आए। रानी, दिलीप गुलाटी जो डायरेक्टर है उनकी बात करें तो आज तक उन्होंने हिंदी फिल्में बनाई, आज पहली बार भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं, आपके लिए कितने मायने हैं कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं? बिल्कुल, प्रोड्यूसर्स भी जो है वो उन्होंने हिंदी फिल्म बनाई है, हमारे दिलीप सर ने भी बनाई है, और ये मेरे लिए बहुत ही अचीवमेंट की बात है कि मैं इतने अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने जा रही हूँ। रवि जी तो करते ही हैं, रवि जी ने तो बहुत दिग्गजों के साथ काम किया है, बट मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। रवि सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कि आज मेरे घर पे भी गणेश जी थे, आधी पूजा किया, मैंने उनसे क्षमा मांगा, मैंने गणेश पापा को बोला कि मैं, हम कलाकारों की असली पूजा यही है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ तो आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि कलाकार के लिए भगवान और जीवन और मंदिर सब कुछ उसका स्थान ही शूटिंग होता है, मेकअप होता है, तो आज मेरे घर भी गणेश जी आए हैं डेढ़ दिन के लिए, बट खुशी की बात है कि त्यौहार के दिन हम कलाकारों को 365 दिन, मुझे तो 365 दिन, इवन रानी को भी शायद, हमारे लिए 365 दिन त्यौहार होता है, आज बड़ा पावन दिन है गणेश जी का, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जन्मदिन भी है, नरेंद्र मोदी साहब का, तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की बधाई, और आज गणेश जी का भी जन्मदिन है, तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। सर बताइए, आज आपने जोड़ी नंबर वन के सेट पे आए हैं, कैसा लगा और क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? आज बड़ा शुभ मुहूर्त है, गणेश चतुर्थी के उस पावन बेला पे हम हैं जोड़ी नंबर वन, जिसमें आप देख रहे हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार रानी चटर्जी और भोजपुरी के सुपरस्टार ही हमारे रवि किशन जी, आज फिल्म का मुहूर्त है, और मैं इस फिल्म के मुहूर्त पे जो कि दिलीप गुलाटी जी की द्वारा लिखी गई है और डायरेक्शन में है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, और प्रोडक्शन है कैलाश मानसरोवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही है मिलके, और आशा है कि ये फिल्म भोजपुरी की एक माइलस्टोन साबित हो, और हमारी दिलीप जी ने अभी जो डायरेक्ट की थी फिल्म माफिया बिग बॉस, वो भी मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने आएगी। मैं दिलीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ये दिलीप जी की चौथी भोजपुरी फिल्म है, इससे पहले 3 भोजपुरी फिल्म दिलीप जी ने बहुत अच्छे लेवल की दी हैं, और आशा है वो जो 3 फिल्में हैं उनसे बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करेगी ये, क्योंकि आज के शुभ दिन पे उनका अच्छी कृपा रहे और आगे भी इसी तरह की फिल्में मिलती रहें।